इस कुरान शरीफ को 13 रजब को हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजह करीम आपनात के कुरान हैं, उनकी यौम उलादत शुरू किया, एक रमज़ान दरमियान में आया और दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को वाइंड अप करके आका मौला कसम के हजूर पाकिस्तानी सर से पेश किया। इस कुरान शरीफ की जो लंबाई है ये 48 फुट है, इसके सफ़े की जो चौड़ाई है ये 53 इंच है। जहाँ से सपारा शुरू होता है वो जो हेडलाइन से बोलते हैं वो सब्ज़ कलर में है, जहाँ से सूरज शुरू होती है सब लाइन से बोलते हैं वो ब्लू कलर में है। आयात मुबारक जो लिखी गई हैं वो ब्लैक कलर में लिखी गई हैं, तर्जमा जो इसका रेड कलर में है, रमूज़ो काफ इसके ग्रीन कलर में है, और तर्जमे के अंदर जहाँ भी आका मल का नाम मुबारक आया है उसको ख़ास तौर पर सब्ज़ कलर में मैंशन किया गया है ताकि आपसी मोहब्बत जो है वो नुमाया हो सके। सबसे बड़ा जो कुरान पाक आज से लिखा गया है वो सादकाबाद में नवैस के लिए रखा गया है। इसका यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि लोगों में कुरान पाक की तालीमात और उससे मोहब्बत का असर इसको और ज़्यादा जो है नुमाया करना है। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेरहमती की है उससे तमाम मुसलमानों की दिलदारी हुई है और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो शहरी हैं जैसे जैसे उनको पता चलता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ जोग दौड़ चले आ रहे हैं और कुरान पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।